सो हेलो गाइस, विवेक हियर। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस जिनको हम रैंकिंग देंगे उनकी NRF रैंकिंग के ऊपर, उनकी प्लेसमेंट्स के द्वारा और उनकी कॉलेज लाइफ कैसी होगी। पहले से मैं बोल देता हूँ, इनमें मैं ना कैंपस को इंक्लूड करूँगा ना कैंपस साइज़ को, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी, नॉट दैट कैंपस प्ले बिग कैंपस और ऑल। कॉलेज के पास वो कैंपस रह जाएगी, पर अगर आपको प्लेसमेंट्स अच्छा नहीं मिलता तो आप बाद में पछताएंगे उस कॉलेज में। तो गाइस लेट अस रैंक द कॉलेजेस। सब्सक्राइब टू ट्रिक्स ऑफ विवेक एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। सो हेलो गाइस, विवेक हियर एंड वी विल रैंक द कॉलेजेस फ्रॉम 1 to 10 अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ एंड हाउ द कॉलेजेस विल टीच यू एंड द फैकल्टी अराउंड इट। हेलो गाइस, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, सो गाइस प्लीज डू इट। Subscribe to the channel and also press the bell icon. It's totally free. And if you press the bell, I will get to you as fast as possible with my information directly to you. Thank you very much. Subscribe to the channel. I request you. So guys, हमारी 10 नंबर पे जो कॉलेज आती है उसका नाम है नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस गाइज, इसके पहले बहुत कॉलेज आ सकती थी, पर ये कॉलेज अपनी जगह बढ़ा लेता है पता नहीं किस कारण से। पर इनकी जो NRF रैंकिंग है 162 आती है पता नहीं किस कारण से, पर इनकी जो कट ऑफ्स होती है वो 30,000 से की बाद में होती है। पर और क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कम जाते हैं, कंपनीज भी अराउंड बहुत कम आती है, और एक ग्रुप है जिसका नाम है GIS ग्रुप, उस ग्रुप की ये कॉलेज है, और इनमें प्लेसमेंट्स भी ओके होता है। जहाँ तक बात रही आपको कैसी कॉलेज लाइफ यहाँ गुजारने मिलेगी, तो बहुत कॉलेज लाइफ अच्छी होगी आपकी, पर अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देन गाइस देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स बंगाली मीडियम या फिर हिंदी मीडियम से इस कॉलेज में पढ़ेंगे, जिनको कि जिनके लिए एक इंग्लिश की क्लासेस होगी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं किस ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो देन गाइस यू शुड ओनली गो फॉर ब्रांचेस लाइक ECE, IT एंड CSE, जिनकी प्लेसमेंट 70% अराउंड हो जाती है। जो टॉप क्लास के बच्चे होते हैं तो उनकी तो होगी ही, और उनके बाद वाले बच्चों को भी हो जाती है। एवरेज पैकेज इज अराउंड 3 lakhs एंड हाईएस्ट पैकेज वेंट टिल नाउ इज 7 lakhs। सो गाइज, हमारी 9 नंबर पे कौन सी कॉलेज आती है? तो यस गाइज, 9 नंबर पे मैं अगर रैंक करूँ तो मैं दूंगा मेघनाथ सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस गाइज, मेघनाथ सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टेक्नो ग्रुप की नंबर 3rd कॉलेज है, और ये कॉलेज काफ़ी अच्छी है। इन पे प्लेसमेंट्स भी अराउंड बहुत अच्छा होता है, और इनकी एवरेज पैकेज 3.5 lakhs चली जाती है। और जहाँ तक टॉप क्लास की बच्चों की बात रही तो यस गाइज, उनको तो 7-8 lakh भी मिल जाता है। टेक्नो के साथ आपको बैठ के प्लेसमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इन पे अपनी प्लेसमेंट्स कुछ नहीं होती। और अगर बात रहे कि आपको कौन से ब्रांच लेने चाहिए, तो यस गाइस यू कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ाता बहुत अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग में, फैकल्टीज अराउंड इज़ वेरी गुड। एंड गाइस अगर सिविल इंजीनियरिंग मिलता है कोर ब्रांचेज में सिर्फ, और अगर बात रही कि आपकी CSE, IT या फिर ECE मिल रही है, तो यस गाइस यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज। प्लेसमेंट परसेंटेज इज़ अराउंड 80-90% एंड everyone gets placement almost, जो अच्छे बच्चे हैं मतलब, और आपको मेंटेन करना होगा 7 GPA। हमारी जो 8 नंबर पे जो हम कॉलेज को रैंक देंगे, दैट इज़ बहुत आदमी शायद अग्री ना करें, फिर भी आई विल गिव रैंक टू नेताजी इंजीनियरिंग कॉलेज, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। वेरी गुड कॉलेज, टेक्नो ग्रुप की 2nd नंबर कॉलेज होती है, बहुत अच्छी खासी कैंपस है, और कॉलेज लाइफ भी इज़ अराउंड वेरी गुड। बट ये दिस इज़ रिमोट एरिया पे है, जिसका नाम है गोरिया। गोरिया उतना भी रिमोट नहीं है, पर यस जरा सा आउट है, ज़्यादा बंगाली मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। इनकी कट ऑफ जाती है अराउंड 25,000 से 20,000 या फिर 30,000 तक। अगर CSE चाहिए तो आपको 15,000-20,000 तक लाना होगा, और अगर मेघनाथ सा की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर। गाइज इसमें TFW आपको 1400 रैंक होगा अगर TFW का, तो आपको मिल जाएगा TFW। पढ़ाई लिखाई तो अच्छी होती है, प्लेसमेंट्स भी अच्छा होता है, अबाउट 80-90% या 95% तक हर साल हो जाता है। CSE, ECE और IT का प्लेसमेंट्स अच्छा होता है। कोर ब्रांचेस की बात रही तो यस गाइज लिटिल प्रॉब्लम होता है, 10-15,000 रुपये मिलते हैं, और हम जो बात कर रहे थे जो प्लेसमेंट्स की, तो वो लाख पे होती है, समझ लो आप लैक्स पर नम। यस गाइस,
Number 7 college I would rank is RCC Institute of Technology. Yes guys, RCC Institute of Informational Technology. इस पे एक टाइम पर बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती थी. अभी ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है. तो यस गाइस, सेमी गवर्नमेंट है तो सिर्फ आप अगर जनरल के नहीं होकर आपकी ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के होते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत कम जाएगी. और अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 3,20,000 देना होगा. दिस ऑल फोर कॉलेजेस कम अंडर मकाउट. मकाउट की जो बोर्ड चलती है उसके अंडर ये सब कॉलेज एग्जाम्स लेते हैं और इन पे काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है. अबाउट जो हाईएस्ट बच्चे होते हैं, हाईएस्ट पैकेज वेंट अराउंड 7 लैक्स 5 लैक्स. और मेघनाथ शाह और नेताजी में भी 5 to 7 लैक्स. एक बार हाईएस्ट पैकेज मेघनाथ शाह में था 10 लैक्स और नेताजी में था 11 लैक्स. और ये गाइस आरसीसी में 5 लैक्स to 7 लैक्स इज़ द हाईएस्ट पैकेज एंड द नॉर्मल पैकेज वेज अराउंड 3 to 3.5 लैक्स. तो हमारी जो 6th नंबर कॉलेज होगी गाइस वो होगी AOT, अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी. यस गाइस, अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही रिमोट एरिया में है पर प्लेसमेंट वाइज इज अ वेरी गुड कॉलेज एंड अ कैंपस लाइफ इज ऑसम. क्योंकि एक बहुत बड़ी पूल होगी सामने, आप बहुत ज़्यादा घूर पाएंगे कॉलेजेस में और बहुत मज़ा आएगा आपको अगर कुछ कॉलेज में आप अगर स्टडी करते हैं तो. पर गाइस एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी. सो गाइस प्लेसमेंट वाइज देखें तो ECE की भी कम प्लेसमेंट होती है और CSE की तो ऑलमोस्ट 100% होती है. हाईएस्ट पैकेज विन अराउंड इज 10 लैक्स to 12 लैक्स एंड द नॉर्मल पैकेज गोज अराउंड 3 to 3.5 लैक्स और 4 लैक्स, ऑलमोस्ट 4 लैक्स तक जाती है. कॉलेज बहुत अच्छी है, कैंपस लाइफ अच्छा होगा और अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. 10 से 20,000 तक आपको रैंक करनी होगी. नहीं, 10 से 20,000 तक आपको CSE चाहिए और उसके बाद वाले जो ब्रांचेस चाहिए ECE, IT, देन यू कैन गो फ्रॉम 20 to 25 or 30K बेसिकली. और अगर बात करें जैसे कि RCC की बात की थी तो RCC में भी आपको 10 से 30,000 के अंदर 10 से 20,000 तक आपको CSE चाहिए. और अगर उसके बाद जब ज़रा सा ऊपर नीचे होता है तो आपको ECE और IT मिल जाएगा या फिर ये ब्रांचेस मिल जाएंगी दूसरे ब्रांचेस. पर अगर गाइस इन सब में पढ़ना हो, ये जो अभी तक 5 कॉलेजेस नीचे थी तो मैं बात करूँगा सारे कॉलेज में ECE, IT या फिर CSE मिलेगा तो प्लेसमेंट अच्छी होगी. उसके बाद वाले भी आपको इलेक्ट्रिकल या CSE या सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, मैकेनिकल मत लीजिएगा. ये सारे कॉलेजेस में आपको अच्छा खासा पढ़ने को मिल जाएगा और साथ में इनमें 10-20,000 की कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब महीने वाला. और आपको अगर चाहिए क्या अच्छी खासी लैक्स पर एनम फी तो IT CSE इसमें प्लेसमेंट हो जाएगी. तो यस गाइस, द नंबर 5th कॉलेज इज नाउ द 5th कॉलेज इज BP पोदर कॉलेज. यस गाइस, BP पोदर. मैं इसको BP पोदर को नंबर 5th में क्यों रखता हूँ आप बोल रहे हो. तो गाइस BP पोदर को मैंने 5th में इसलिए रखा है, आप जितना मानो या नहीं मानो, जो प्लेसमेंट्स होती है ना वो कोलकाता में रहने वाली कॉलेजेस की पहली होगी और बाहर रहने वाली कॉलेजेस की बाद में. ऐसा क्यों? अगर आपके घर के सामने कोई अचार या कुछ बिक रहा है तो आप उसको जल्दी पकड़ोगे या फिर ट्रेन पकड़ के जाओगे दूसरी जगह और वहाँ जाकर बोलोगे भाई मुझे आम का अचार दे दो महंगा वाला? तो ऐसा नहीं होता गाइस. तो बेसिकली जो घर के सामने होता है उसी को जल्दी पकड़ते हैं. तो बेसिकली जो कोलकाता में कॉलेज होती हैं उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड कॉलेजेस. यस गाइस, तो BP पोदर कॉलेज इज़ द नंबर 5th कॉलेज फॉर मी. एंड गाइस BP पोदर कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसी होती है? तो सर BP पोदर कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज विंड अराउंड 10 to 12 लैक्स सैब एंड एवरेज पैकेज विंड अराउंड 3 to 5 लैक्स पर एनम. एंड गाइस प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 90 to 95% हो जाती है. CSE, IT और ECE मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस कॉलेजेस एंड द कॉलेज इज ऑलमोस्ट वेरी गुड फॉर दिस. एंड 4 ही ब्रांचेस पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल भी ब्रांचेस हैं जो 35K उसका जाता है मेरा ख्याल से. रैंकिंग में आपको ढुकना होगा कट ऑफ एंड इसकी कट ऑफ होती है 15,000 तक CSE और 25,000 से लेकर 20,000 तक आपको IT या ECE मिल जाएगा. द कॉलेज कैंपस इज़ वेरी गुड, जिसमें आप आ जा कभी भी सकते हैं. कॉलेज लाइफ भी ऑसम है पर कैंपस बहुत छोटी है, समझे, कैंपस बहुत छोटी है. और द नंबर 4th कॉलेज आई वुड रैंक इज़ मैं दो कॉलेज को नंबर 4 रैंक करूँगा. यस गाइस, नंबर 4 में मैं 2 कॉलेजेस को रैंक करूँगा. वो कॉलेज होगी मेरी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द सेंट थॉमसेस. सो यस गाइस, सेंट थॉमस में आपको कॉलेज लाइफ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वाली मिलेगी क्योंकि आपको आने के लिए बियर्ड चाहिए. अगर बियर्ड होगा तो काट देंगे,
कुछ भी कर देंगे, मतलब आपको स्कूल लाइफ जैसा रखेंगे, साढ़े नौ में नहीं डुकेगा कॉलेज में तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे और बहुत कुछ करेंगे आपके साथ जो मतलब आपको जो पसंद नहीं होगा गाइज, जो आपको एकदम पसंद नहीं होगा, और कॉलेज लाइफ की घटिया मचा देंगे। प्लेसमेंट वाइज इज़ ऑलमोस्ट वेरी गुड, आपको आईटी रोबोट्स बना देंगे इस कॉलेज में, उनको आपको क्या करेंगे कि आपको कोई चीज़ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे आपके साथ। और अगर आप बात कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अच्छी प्लेसमेंट के लिए जाएँ, तो येस यू कैन गो 90-95% और 100% तक आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। इन्फोसिस, CTS, कैपजेमिनी, ये सब कंपनीज आती हैं इस कॉलेज में। बीबी पोदर में सैब, बाइजू और भी छोटे छोटे कंपनीज आती हैं जो आपको प्लेसमेंट दे सकती हैं। एंड द नंबर 4 कॉलेज में जो दूसरी कॉलेज है, दैट इज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज अ ऑसम कॉलेज एंड अ वेरी बिग कैंपस, यू कैन से द बिगेस्ट कैंपस इन अंडर Wbjee, एनी एग्जामिनेशन में Wbjee के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनकी सबसे बड़ी कैंपस इन्हीं की है। इन कॉलेज की एक ही बात खासियत है जो मैंने इन कॉलेज को रैंक करने में हेल्प करती है, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। सो गाइस, दुनिया में ऐसी शायद कमी कॉलेजेस हैं जहाँ केमिकल इंजीनियर्स की 100% प्लेसमेंट होती है, एंड दैट इज़ दैट कॉलेज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट, क्योंकि केमिकल इंजीनियर का डब्बा साइड में ही रखा है, मैंने कंपनी खुली है, बहुत सी सारा कंपनी है हल्दिया के सामने जो कोलाघाट के सामने होती है। सो गाइस, प्लेसमेंट वाइज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, एंड CSE, ECE, IT की 90-95% प्लेसमेंट हो जाती है। हाईएस्ट पैकेज वेंड अराउंड इज 12 लाख, समटाइम्स 15 लाख, एंड गाइज इस कॉलेज की केमिकल इंजीनियर्स की प्लेसमेंट हो जाती है 5 लाख-6 लाख, ऐसी कमी कॉलेज में होती है 3 लाख-3.5 लाख। और प्लेसमेंट वाइज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज एंड कैंपस लाइफ इज़ ऑसम, आपको जिम विम सब मिल जाएगा कॉलेज के अंदर, फुटबॉल ग्राउंड से 2-4, तो लाइफ तो ऑसम होगी। हॉस्टल्स में आपको रहना होगा क्योंकि हल्दिया इज़ टू फार फ्रॉम इंडिया, मैंने कोलकाता, सो तब भी कंपनीज आती हैं, मतलब क्योंकि पुरानी कॉलेज है। NRF रैंकिंग की बात करें इस कॉलेज की इज़ 74 इस गाइड, और AOT की भी रैंकिंग एक टाइम पर थी पर अभी नहीं है, सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। द नंबर 3rd कॉलेज इज टेक्नोमेन, यस गाइस टेक्नोमेन, टेक्नोमेन की कोई NRF रैंकिंग नहीं है। प्लेसमेंट वाइज इज़ ऑसम कॉलेज, सारी MNC कंपनीज आती हैं, ECE, IT या फिर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, देन यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज, दिस इज़ एन ऑसम कॉलेज, कम्स अराउंड नंबर 3rd रैंक, एंड बिकॉज ऑल द कंपनीज विजिटेड दिस कॉलेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड एनी अदर कंपनी विच विल गिव यू अ हाई पैकेज लाइक अराउंड 10-15 लाख और अराउंड 20 लाख, समटाइम्स हाईएस्ट पैकेज वेंट अराउंड 22 लाख इन दिस कॉलेज, एंड द कॉलेज इज़ ऑसम बट बहुत खर्चा होता है इस कॉलेज के अंदर, और अभी तो बहुत ही मैनेजमेंट कोटा बढ़ गया है, तो हो सकता है बाद में कॉलेजेस की रैंकिंग गिरने लगे, और ये अराउंड 3rd रैंकिंग पे आती है हमारे वेस्ट बंगाल जॉइंट में। तो इस कॉलेज की जो कट ऑफ्स होती है वो गाइज आपकी होती है 8K से लेकर 10K के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए तो 6K पे जाता है कंप्यूटर साइंस, एंड द कॉलेज इज़ ऑसम एंड यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ हियर। आप कभी भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, नहीं पहन के जा सकते हो, एंड द कॉलेज इज़ नॉट सो स्ट्रिक्ट, एंड सो लॉट्स ऑफ फेस्ट इज़ अराउंड लाइक कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट एंड ऑल दैट। कैंपस छोटी होती है पर बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि कैंपस छोटी है। सो यस गाइस, आपको नंबर 2 कॉलेज जो आपको बहुत पसंद आएगी, जो मेरी भी अच्छी कॉलेज, मुझे भी अच्छी कॉलेज लगती है, दैट इज़ हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस गाइस, द कॉलेज इसकी एक प्लस पॉइंट यही है कि ये ऑटोनोमस कॉलेज है, इन पे आप कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, कभी भी कुछ कर सकते हो, बोर्ड भी आप ही का कॉलेज का होगा। सो प्लेसमेंट वाइज इज अ वेरी गुड कॉलेज, CSE और IT की और ECE की तो 100% प्लेसमेंट हो जाती है। हाईएस्ट पैकेज बिन अराउंड 7 लाख, एंड द टिल नाउ हाईएस्ट पैकेज ऑफ ऑफ कैंपस जिसमें कॉलेज का कोई हाथ नहीं होता, उस पर एक बच्चे ने 36 लाख उठाया था जो कॉलेज का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। एंड गाइज अगर बात करें तो इस कॉलेज में एक बहुत ही ड्रॉबैक ये है कि कॉलेज किसी की नहीं सुनता, उनको बस चाहिए पेट में खाना, दैट इज़ पैसा, दैट इज़ मैनेजमेंट कोटा, 12 लाख-11 लाख की मैनेजमेंट कोटा खाते हैं ये, और इनको बस पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। कॉलेज की एक टाइम पर रैंकिंग थी 118 पर अभी गिर कर आ चुकी है 150। आज से 10 साल पहले से, मैंने आज से 4-5 साल से इनकी रैंकिंग गिरते जा रही है, क्योंकि ना ही इनमें अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, सिर्फ 97% इनके बच्चे TCS में चले जाते हैं किसी तरह, पैकेज उठाते हैं 3.5 लाख और 4 लाख।
ये है कॉलेज की अभी की ड्रॉबैक, पर कॉलेज की कैंपस लाइफ इज़ अ ह्यूज कैंपस. यू कैन एंजॉय द कैंपस एंड लाइब्रेरी में भी बहुत बड़ी है. फैकल्टी इज अराउंड वेरी गुड. ऑलमोस्ट एवरी टीचर इज़ PhD एंड MTech. सो गाइज यू कैन एंजॉय द कॉलेज. येस गाइज द नंबर वन कॉलेज कम्स अराउंड इज IEM, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सॉरी IEM, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. सो गाइज ये तो बहुत ही अच्छी कॉलेज है, पर इस पे हाईएस्ट पैकेज अराउंड 40 लैक्स, दैट इज़ ऑफ कैंपस नॉट ऑन कैंपस. एंड गाइज प्लेसमेंट वाइज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज एंड द NRF रैंकिंग इज़ अराउंड 101. एंड कॉलेज की लाइफ बहुत छोटी है, एक बास्केटबॉल ग्राउंड है बस. और बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, 9 बजे नहीं पहुँचिएगा तो 5 मिनट भी लेट तो आपको कॉलेज में ढुकने नहीं देंगे. आपको आधा मतलब एक बीच में एक घंटा का ब्रेक देंगे और कभी भी आप कॉलेज में नहीं जा सके तो आपको कॉलेज करने नहीं देंगे. द कॉलेज इज़ स्ट्रिक्ट एंड द कॉलेज लाइफ इज़ लिटिल बिट डिवास्टेटिंग एंड उतना भी अच्छी नहीं है. एवरेज पे पैकेज वेंट अराउंड इज 4 लैक्स. एंड गाइज प्लेसमेंट्स तो अच्छी होती है बात में, पर कॉलेज में एक चीज़ ड्रॉबैक अभी है जो कॉलेज की, वो है UEM. UEM एक उनकी कॉलेज है, पर क्या होता क्या है, देखिए अगर आपने 3000 रैंक करके IEM में भर्ती ले लिया, एट द एंड ऑफ द डे जब आप जब निकल रहे हैं तो कॉलेज से तो आप बीमार पड़ गए और जिसके कारण से आपकी जो GPA है वो 7 GPA हो गई है. और UEM की एक बच्चा ने लास्ट में कमाल करके 8 GPA ले आया. देन गाइस UEM का बच्चा कोई भी रैंक नहीं लाकर जाता है UEM में, और अचानक से वो आकर आपके सामने बैठ गया और बोलेगा कि प्लेसमेंट में मैं आगे जाऊँगा क्योंकि मैंने 8 GPA स्कोर किया है. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉलेज. सो गाइज आपको ऑलमोस्ट अभी बहुत गंदा हो गया कॉलेज, देखिएगा कुछ दिन बाद ये कॉलेज शायद मैंने नंबर 1 पे रैंक किया कोई 10 पे रैंक करेगा. सो गाइज ये आप समझ सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो. सो गाइज फॉर योर फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक एंड कॉलेज रैंक.